आप जो मतलब मेरे झटके हुए जो आपको बाप के जमीन है हमारा बाप के नहीं है, हमारा बाप के भी है। हम आए उसको रोकने के लिए, जो गरीब आदमी है उसको घर का है तोड़ रहे हैं, और फिर से टूटेगा वो अपना सामान निकालेगा। हमको दीदी जी ऐसे धार के और सीधे झटक दिया, इसमें जख्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज, मैं हूँ मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरभंगा जिले के जाले थाना अंतर्गत हरौली गांव में, और यहाँ पर एक सरकारी जमीन के लिए एक गरीब आदमी का घर तोड़ दिया गया है। सारे लोग इस बात से दुखी है कि महज इतना थोड़ा सा जमीन के लिए किसी का घर कोई कैसे तोड़ेगा। क्या आप ही का घर टूटा है? हाँ। क्या नाम हुआ? गीता देवी नाम है। अच्छा, कौन तोड़ा है? जीबा छाथ ललित। क्या है तोड़ा? रास्ता के चक्कर से हम कल रास्ता देने का तैयारी रहे, मगर रास्ता न माने। जब बलजोरी हमारे नाम वो हमारे कलाम आल हम सब वही घर में रही, मगर उसकी कलक तोड़ दिलक चन्ना हमारे सारी सामान ढो लेलक। पाँच भर सोना हम गए, पचास भर चानी, 50,000 रुपये थमन, 40,000 थमन। हम अगर सब में हम कोठी में धले रहे भर कोठी चाउर अम रहा है सब धैल सब ढो लेलक के केना कटलक। छोट बच्चा दौड़ते गए भाभी भाभी अहाँ के घर टूट रहा है, तो हम अली दाले तट्टी में पूरा काट के सब ढो के गिरा दिले है। कांति देवी बैठ के सब धोआ लेलक। जीवस के भाव ढोए, जीवस के बहु ढो, कर बेटी ढो, कर माय ढोए, सबसे ढोआ लेलक। तब हमारा अच्छा तो सरकारी जमीन था। हाँ। फिर उनको क्या आपत्ति? मुझा उसके ऊपर है ना, तो यो ओकरे होगा निजी है। हाँ। उसको आगे है तो इसको होगा कि उसको होगा? नहीं, जिसका बगल में उसी का होगा। उसी का होगा, वो बगल कहा घर में हाथ लगाया, कहा चुरा कर, कहा सामान चुरा कर ले गया, ऐसा सब कहा किया वो? आप ही का घर टूटा है? नहीं। हाँ, इनका घर है। अच्छा, इनका समाज आप पड़ोसी है? हम पड़ोसी है, समाज है। मतलब पूरे गांव के लोग इस बात से दुखी है? एकदम दुखी है। पूरा पूछ लीजिए, पूछना समाज दुखी है, दुखी है कि नहीं दुखी है? सारे सामान हमें ढो के ले गए, बोर्ड है हमारे कलाम, मीटर है, पंखा है, सब के सब है, सारे सामान उठो के ले गया। अच्छा, घर भी कुछ है ही नहीं, सब ले गया? सब ले गया है। सब पंखा पंखा बोर्ड तो सब ले गया। आपको देखिए रहे हैं, हम आए उसको रोकने के लिए, जो गरीब आदमी है उसको घर का है तोड़ रहे हैं, और फिर से टूटेगा वो अपना सामान निकालेगा। हमको दीदी जी ऐसे धार के और सीधे झटक दिया, इसमें जख्म हो गया। आदमी यहाँ पर कोई है नहीं, जब हमको खून खौला बोलने आया तब हम बोले कि जो मारे तुम्हारे बाप के है जमीन, हमारे बाप के नहीं है। कौन बोला? वही जीवा ललित माँ बोला कि आप, माने हम जब उसको बोले कि जो आप जो मतलब मेरे झटके हुए जो आपको बाप के जमीन है हमारा बाप के नहीं है, हमारा बाप के भी है, तो हमें कहता है क्या जाइए जाइए इज्जत से जाइए। हमको तो चोट हो गया इसमें, हम चले गए, हमारे पास में कोई लड़का है न कोई है, हम अकेला है, साफ न बोल रहे हैं, तो हम मतलब हम कल से तो पीड़ा से मर रहे हैं, है ना। अयो देश लाया बुरा तो हमको मलाता है। देखिए घर हमारे जमीन ही है। हाँ, घर आप देख लीजिए कि दादी को जो चोट लगा इसके कारण रो भी रही है। सर माना चाहिए वैसे लोगों को जो बुजुर्ग पर हाथ उठाता है, ठीक है। मां जिस जगह पर हम खड़े हैं वही इतना ही सरकारी जमीन है, और इसी पर अगर घर था, एक बुजुर्ग महिला अगर कहने गई कि गरीब का घर मत तोड़ो, तो इनको पटक दिया, रो रही है, या साफ देख रहे हैं कि रो रही है, एक ग्रामीण का सहयोग करने गई इसलिए। और यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब इनके सहयोग में खड़े हैं, क्योंकि ये गरीब आदमी का छोटा सा घर था, ये सरकारी जमीन। महज हमें नहीं लगता है कि इसका लंबाई चौड़ाई भी कितना होगा, एक दूध वो नहीं करेगा ये। हाँ, उतना है दूध तोड़ दल के, मैंने पूरा महले तोड़ दल के, जते महल रही भनसा भात चूल्ही कौला रही है, सब माल जाल बनात रही है, कोठी भरली रही है, अइजा हर चीज रही है, आ सब कुछ तोड़ दल के। ऐसे करके जब जे खम्हा जे कटत रहे तो हमरा मालूम है,
हम आके कहली जे हे जीवा छी तोरा पूरा मन तोरे घर निकल गेलो त कलके जे जितना बिहार इतना निकाल लेब बिहार हम कहली बिहार सरकार के पूरा आदमी बसल है तू सब निकाल दहू त कलके तू बोलबो न एकरे आवेदन लिख के आवेदन लिख के तू मन ब्लॉक सरपंच आपी हां आवेदन लिख के तू भेज दा थाना में हम कहली तू बोलला से बोलला बंद करा तू बड़का लफड़ा कर देलू घर तोड़ के तू बहुत लफड़ा कर लू तोरा रोड जब देवेला तैयारी है गरीब है भूसा है वर्षा के समय है घर तोड़ के दोनों कटा से कुंड जमीन तोरा दे तो तू अंदर जइया तू अंदर जइया आ जब तू भड़का था घर बना ले तोड़ देलू सामान सब ध्यान कर देलू पंखा तट कर पंखा टूट जत पंखा निकाल दू तैयो तो खम्भा काट के पंखा गिरा दिल तरी में पंखा टूटल की बोले हम चल गए मुंह न लगेबे हाँ मुंह न लगेबे थाना में गेल रहे थाना के कहल कि 2,00,000 रुपया दे दिया है थाना कुछ नहीं करेगा कौन बोला जी बच्चे कन्या अच्छा थाना को जा रहे थाना में 2,00,000 रुपया हाँ 2,00,000 रुपया जमा करा हुआ है वो हाँ घूस दिया है कुछ नहीं करेगा तो हम थाना आया साँझ में तो हम थाना ये कहा कि आप कहे फैसला करने आए आपसे नहीं होगा हम पटना से लड़ेगा जो बूढ़ा मारने वाला है जो बूढ़ा के मारा है थाना भी मारा इसको 2 चमेटा 3 चमेटा थाना मारा हुआ है तो हम कहे कि आपसे थाना आपसे नहीं फैसला होगा हम आगे बढ़ता है आप घूस होकर गया कि थाना बढ़ गया हम इतना बात क्या थाना का बढ़ गया थाना इसको कहा कि जो बूढ़ा तुम हम कहीं नहीं जाएगा फिर मार खाना जाएगा आपको तो घूस मिला है ना यहाँ तो घूस वाला पैसा अच्छा हाँ वो दिया है 2,00,000 रुपया हम देता है 3,00,000 रुपया उसको जब्त करिए थाना उसको काटिए 2,00,000 पर घर गिरा दिया है कोई गरीब के अमीर कोई मार देगा कोई कटवा देगा थाना के ही उचित है पहले हम कहे आपको रिपोर्ट हम थाना पटना से करेगा तो भागने लगा थाना अब देखिए कि ये बाबा है इनका शक्ल आप देखिए बाबा कैमरा पर देख लीजिए आप बताइए कि इनका चेहरा मार खाने वाला है अगर कोई पुलिस वाला इन पर हाथ उठाता है तो उसे सामने आता है क्या वर्दी मिला है गरीबों के ऊपर जुल्म करने के लिए अब ये देखिए अपने जमीन के लिए जब बाबा थाना में जाते हैं तो बाबा को मारने लगता है थाना पर भारी कितना मारा बाबा थाना पर थाना पर यहाँ पर आप क्या बोले जो मारा हम कुछ नहीं बोले कहा जाए सर हम झगड़ा नहीं करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं जब हम झगड़ा दंग तो झगड़ा करता है तू हम कल झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हम करते हैं वही पर हमको मार ले कौन फार दे जीवन उठा कर पटक दिया जब रोकने आए रोकने आए तो उठा कर पटक दिया बस उठा के पटक दिया ये देखते हैं गंजी तंजी कालर पकड़ के चार भी थाना प्रभारी आपको मारा हाँ। तो आगे आप कुछ नहीं किए एसपी के पास गए ना कुछ ना कुछ ना हम किए आप यहाँ रहिएगा तो क्या आपको इंसाफ मिलेगा समाज करके रुक जाए 2 दिन तक बाद हम सुन लोग देखकर होगा सो करेंगे चलिए आप यहाँ आइए कि क्या बोले बोलिए हाँ वो गांव से हमारे मतलब 2-3 आदमी के धके है हम पूरा गांव के धके दादा जे समाज का से न करब समाज के धके में छी आ उन्यारा है समाज से समाज से कुछ न बात करता है चलिए एक बाबा कह रहे हैं कि उनका बम्बे का कमाई है इसके लिए उसको ज्यादा गर्मी है मतलब बम्बई से पैसा आता है काला पैसा तो उसका गर्मी है हाँ गर्मी है कहता है कि सब रुपया उनको बोझ रहे पूरा हरौली का मतलब जोख लें तो पूरा हरौली उन्हीं का हो जाएगा पूरा हरौली तो थोड़ी होगा पूरा हरौली होगा तो गरीब आदमी को देखते मतलब बाबा ये तो गलत बात है आप जैसे या इन जैसे बुजुर्ग पर कोई अगर हमला करता है तो ये तो खराब बात बहुत खराब बात बहुत खराब बात सुन ले ना हम जो घर कटल के का तो काट देवे वाला रहे सुन ले ना महू बेचारा बुरा आदमी धिया बुटा न है बाहर उगल चल गए रात में फेंकज रही भूसा देखते हैं वहाँ बांस में फेंक दिए तो हम लोग कहेंगे भूसा के नहीं फेंकिए हटावे बाप बाबी गुमान दिखाने लगा बेइज्जत करने लगा ये आपको हाँ हाँ समझे न सब लोग टूटा समझे न बहुत गलत फिर भी इतना आदमी मिल करके भी उसको घर तोड़ने से नहीं रोक पाए नहीं तो रोक पाया न था आदमी नहीं था कोई था ही नहीं आदमी नहीं था सब देखते हैं काट दिया हुआ है 4 दिन के बाद हम आज आए हैं वो दिन घर छोड़ा शाम में हम आए समझे फोन किए कि हम शाम में आदमी नेता सब नेता में चला गया सब बुरपनिया था सब कौन था हमको फोन किया हम शाम में आए भूसा फेंकता था हाँ हम गए जी बस
कि तुम भूसा न फेंको, भूसा तुम बिहान फेंकना। हमको कहता है तुम मरदाबा का बेटा, तुम ताकत ज्यादा हो गया तो हमको रोक देगा। तो मौगी कहता है उसको, बेखत कहता है अरे फेंको फेंको, ये क्या कर लेता है, इसको ताकत बेची होगा देख लेंगे इसको। फिर हम कहे जमान संभाल के बोल ले। अच्छा, इसका घर इन्हीं का था शुरू से? शुरू से इनका घर था, बहुत पहले से था, बहुत पहले से था। आप बताइए कि थोड़ा सा आप सब लोग खेल के पीछे होइए, देखिए इतना सा जमीन है, ज्यादा है नहीं। फिर हमको यहाँ था भूसा फेंको, वहाँ था वहाँ तुम सोच लो के हमको धक्का मार के वहाँ यहाँ ले गया। हाँ, और था हम उसको दबते थे, दोनों भाई था वहाँ। फिर हमको में बाद में बुढ़ा आया, ये बुढ़ा आया, ये बुढ़ा आया। फिर ये बोला, ये बोला उसके बाद सर कहाँ, सर कहाँ, ये आ गया। हाँ, ये आया, आया ये आया, तब कभी दम था हम दम से, तब डाउन हुआ, तभी घमंड में था कि हम तो आपके और उनके आने से पहले उस बुजुर्ग को मार पीट रहा था। जब आप आए और वो लड़का क्या नाम इधर आये, तो आप जब इनके आने के बाद ही इन लोगों को नहीं पीट, आपको धकेला था क्या? हाँ, हमरो धकेल दिया, हमरो धकेल दिया, शांत हो ना कर बाप रे बाप, तो फान के ले रहे गे पर का के चिंग की कर लेगा। अभी का इसे भूसा, ये सही बात है, ये भूसा अभी फेंक देंगे, अभी बात के बात देते हम नहीं थे ना, काट देंगे माने इनको भी। मतलब जब उनकी जो बहू है जीवज की पत्नी, वो भी गाली देने लगी, इनका नाम कन्हाई राय है, पूरे गांव समाज के मेन यही हुए, नहीं समझे, ये भी आए इनको भी बेइज्जत करने लगे और कन्हैया कन्हैया नाम कह करके। बबीता देवी जो है जीवज राय की पत्नी, वो गाली देने लगी, वो थोड़ा भी इज्जत नहीं किया। जो भाई गांव के बुजुर्ग लोग है, जब सब आए समझाने आए, हम लोग भी आए, जो भाई तोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं बोला। डर से कोई गांव में कोई नहीं ना बोलता, आप कोई खा पी करके दारू पी करके तोड़ने लगा तो कोई डर से नहीं बोला। इसके बाद हम लोग आए, कहे भाई गरीब आदमी गए, जो भाई भूसा हमारा फेंक रहा है, हम भूसा कहाँ से लाएंगे, बोलिए रोकने के लिए, कल हटा लेंगे। तो आकर के हम लोग रोके तो जबरदस्ती सीना में सीना भिराने लगा। तो महिला जाती तो हम लोग कैसे जाए उनसे झगड़ने लगड़ने क्या। अभी जो हालात चल रही है इसमें महिला से मुंह लगाना सही बात नहीं थी, थोड़ा ज्यादा बोल रही थी, गाली गलौज दे रही थी, बस यही बात है हमारा सबसे। आप क्या कह रहे थे बाबा, बहुत देर पहले भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ जो है ये इनकार नहीं है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बिहार सरकार नहीं है, ये है। हाँ। लेकिन ये बिहार सरकार चार धुर में है, जिस पर इतनी बड़ी ज्यादती की गई है तो ठीक है, ये बिहार सरकार में है। अगर मान लीजिए किसी की आपत्ति है तो वह उसका जो है मेन कार्यालय है अंचल, उत्तराधिकारी अंचल है ना, वहाँ आवेदन दिया जाए। वहाँ से मान लिया कि जो नोटिस आएगा, अगर एक नोटिस नहीं आया दूसरा नोटिस आएगा, तीसरा नोटिस नहीं आएगा तो सरकार प्रशासन के द्वारा बुलडोजर लगा देगी। नहीं तो यह ऐसा नियम है अतिक्रमण का कि सबसे पहले जो अतिक्रमण है किए हुआ है तो उसको सूचना दिया जाता है। सूचना भेजेगा तो तोड़ने का अधिकार कानून को है, पब्लिक को नहीं। नहीं है, पब्लिक को नहीं है, पब्लिक को तो है ही नहीं। नहीं तो ये उसको दिया जाता है, वो कब, जब प्रशासन प्रशासन जब अति हो जाती है और जब माहौल कुछ ऐसा होता है जो प्रशासन को ज्यादा प्रेषित होता है तो प्रशासन इसका इंक्वायरी करता है और देख लेता है कि यह हकीकत इससे कुछ सामाजिक वातावरण इससे खराब होने वाला है, बिगड़ने वाला है नहीं, तो कम से कम उस पर ध्यान दिया जाता है और उसको सबसे पहले प्रेम और सौहार्द वातावरण में कहा जाता है कि आप इसे इतना को आप मुक्त कर दें, छोड़ दें। सिर्फ यही सरकारी जमीन है कि और नहीं बाबा, यही तो मैं कहने आया हूँ, ये जितने दिखाइए हम, अरे ये जो है ये जितना मतलब भर उर है तो सब सरकारी में है, सारा सरकारी में है और ये जबरन किया गया है, आंगनबाड़ी है और ये ब्रह्म बाबा है, ये सारा ब्रह्म बाबा का जमीन है, जितना भी घर है ये सारे ब्रह्म बाबा का जमीन है। और इसमें ये हुआ, इतना बड़ा इसका नुकसान हुआ, इसको सूचना होता ना तो ये लोग अपने घर जो टूटता है तो अपने से एक एक बांस हटाता है, अपना सामान सुरक्षित ले आता है, इसको लूट लिया गया है ना, इसको लूट करके इसको तोड़ करके बर्बाद कर दिया गया। इसके घर में गरीब आदमी है, कम से कम मैंने कुछ पैसा कौड़ी सारा सामान जैसे अपना ले के जोगा के इसमें अपना रहता था, बुजुर्ग आदमी इसके घर में कोई नहीं है, सिर्फ महिला है दुगो, अगर दुगो सामान भी है तो वह प्रदेश में है, अभी सिर्फ ये आदमी है ना, एक भैंसी दुधारू है जो उसको लेके अगोर के यहाँ रहता था, सारा सामान उसका लूट लिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको सत्यानाश कर दिया और टोटल चार दूर के लिए मदन का घर तोड़ने वाला आतंक किया गया। फिर ये पुलिस आई तो कुछ नहीं की? नहीं, पुलिस क्या करेगी, पुलिस अपना मैनेज में थी या हो सकता है कोई कारण होगा,
अब देखिए कि यहाँ पर एक एक शख्स जो आप देख रहे हैं वो सब के सब उस आदमी के साथ साथ पुलिस से भी खफा है, क्योंकि यहाँ से बाबा का कहना है कि चार बगल में ही लगभग 10 दूर या 1-8 ऐसा जमीन है जिस पर कोई कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई अतिक्रमण का रोक छोक नहीं है कि आप खाली कीजिए या कुछ। और जिस जगह पर हम खड़े हैं एक महज 4 धूर जमीन था और एक गरीब आदमी इसमें झोपड़ी बना कर रह रहा था, उसका यही एक आशियाना था और आ करके उसको तोड़ दिया गया। लेकिन जब प्रशासन के पास गए तो प्रशासन भी आ करके इन्हीं लोगों को डरा धमकाया और बाबा को 2 थप्पड़ मारा। बाबा हाँ हाँ कान रखे कान पकड़ के दिए। आप बताइए क्या एक बुजुर्ग को पर हाथ उठाना क्या वाजिब होता है? अगर कोई वर्दी पे है ले तो क्या वो अपने बाप को भी मार सकता है? उसको कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है कि एक बुजुर्ग पर अगर हम हाथ उठाते हैं और वो बेकसूर है तब तो उसको शर्म आना चाहिए, कोई भी आदमी हो, कि अगर हम किसी भी पद पर चले जाए तो क्या हम अपने पिता समान या दादा समान आदमी को नहीं समझेंगे कि उसको हाथ उठा सकते हैं? बाकी बात तो पुलिस की रंगदारी चलती रहती है। बाकी अपने दर्शकों से कहे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि जो अन्याय हो रहा है क्या ये वाजिब है। आए दिन अतिक्रमण को लेकर के सरकार तो आवाज उठाती नहीं है, लेकिन कुछ दबंग लोग होता है, कुछ गांव के लोग होता है, उस पर कब्जा करने के लिए गरीब को मार पीट करके भगा देता है। बाकी ये सारे गांव वाले हैं जो आप यहां से यहां तक दे सकते हैं, सारे के सारे दुखी हैं। तो आज हमें बुलाए हैं, हम उतना दूर से चलकर आए हैं ताकि इन लोगों की आवाज़ हम पहुंचा सके, लेकिन प्रशासन से विनती करते हैं एक बार जगह पर आए, अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो इस गरीब को कहीं रहने का आशियाना दीजिए और जो इसका घर तोड़ा है, जो सामान ले गया है, उसको यहाँ पर उपलब्ध करवाइए और जो अतिक्रमण किया है और भी अतिक्रमण जमीन है उसको छुटकारा दिलाइए। अगर ब्रह्म स्थान का जमीन है तो वो आप कब्जे में लीजिए।